हेल्थ चैनल पे मैं विशाल साठे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज जिस वनस्पति पे हम चर्चा कर रहे हैं वो अमृत है। ये अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि सुनिए, ये वनस्पति रक्त शोधक है, नंबर एक। नंबर दो, ये कीटाणुनाशक है। ये बॉडी में जो बैक्टीरिया है, कीटाणु है, उन्हें मारता है। नंबर तीन, ये एंटी हेलमेंटिक है, यानी अगर पेट में कीड़े हो जाए तो ये इसे भी मारता है। और इतना ही नहीं, ये विषनाशक भी है, यानी कि अगर ततैया लड़ जाए, बिच्छू लड़ जाए या सांप भी काट जाए, ये इसमें भी काम करता है। इसके अलावा ये एंटी फंगल है, एंटी वायरल है और ये एंटी एलर्जिक भी है। अब बताइए मैं इसको क्या नाम दूँ? अमृत के सिवा क्या इसे और कोई नाम दिया जा सकता है? देखिए, इसे सामने सामने पत्ते लगते हैं और पत्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, जैसे कि कोई मृगनैनी हो। ये सुंदर आँखों जैसे इसके पत्ते होते हैं। इसके फूल भी देखिए कितने सुंदर है। इसके फूलों पे हमेशा ही तितलियाँ मंडराती रहती हैं, जिस तरह के पवाड़ के फूलों पे भी मंडराती है। ये सारे जो खरपतवार हैं ये साथ में लगते हैं। देखिए, इसे इस तरह की फलियाँ लगती हैं। ये फलियों में से बीज, बहुत सारे बीज निकलते हैं और ये जब फलियाँ सूख जाती हैं तो झुनझुने की तरह ये फलियाँ बचती हैं। ये इसकी दो प्रजातियाँ होती हैं, एक का तना काला होता है जबकि एक का तना ग्रीन होता है। अब बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुनेंगे कि इसके पत्ते मसलने पर उनको बहुत ही बुरी बदबू आती है। एक्चुअली बुरी बदबू नहीं आती है, ये वनस्पति, ये इसमें से तेज़ जंगली जैसा स्मेल आता है और ये तेज़ स्मेल आएगा ही, क्योंकि ये वनस्पति है ही इतनी तेज़। मैंने जो आपको शुरुआत में गुण बताए इसके, आप समझ सकते हैं इतने ज़बरदस्त गुण अगर इसमें है तो इसने तेज़ होना ही है। तो अगर तेज़ होगा तो तेज़ स्मेल तो इसे आना ही है। तो बदबूदार स्मेल नहीं होता है, ये तेज़ जंगली स्मेल होता है जो इसके पत्तों को मसलने पर आता है। बॉटनिकली इसे कैसिया ऑक्सीडेंटलिस कहते हैं या फिर कॉफ़ी सेना भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसके फलियों में से जो बीज निकलते हैं उन बीजों को भून करके और पाउडर करके और कॉफ़ी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। उसका टेस्ट बिल्कुल कॉफ़ी जैसा ही आता है। ये सेम चीज़ एक्चुअली पवाड़ के बीजों के साथ भी लोग करते हैं। ये देखिए, पवाड़ यहाँ पे सब जगह पे साइड पे ही लगा हुआ है। इसके बीज बहुत ही तेज़ होते हैं और कुछ लोगों को उनके सेवन से दस्त लगते हैं, लेकिन अगर उन्हें भून लिया जाए तो फिर उनकी ये जो दस्त वाली क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाती है और उसके बाद उसका सुलभता से सेवन किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये बीज बड़े तेज़ होते हैं तो आधे ग्राम से ज़्यादा इन्हें सेवन नहीं करना चाहिए एक टाइम पे। आम भाषा में इस वनस्पति को कसौंदी कहा जाता है। आपके एरिया में इसका क्या प्रयोग किया जाता है और इसे क्या कहते हैं, कृपया करके आप इसके बारे में जो भी जानते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इससे जन कल्याण होगा और हम सब की अवेयरनेस बढ़ेगी। संस्कृत में इसे कास मर्द भी कहा जाता है। कास का मतलब होता है कफ और मर्द का मतलब होता है उसे ख़त्म करना। ये कफ को ख़त्म करने की बड़ी ज़बरदस्त क्षमता रखता है और ये वात पे भी बहुत अच्छा काम करता है। कफ को ख़त्म करने की क्षमता के कारण ही इसे कास मर्द कहा जाता है। और ये खास करके अस्थमा में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि अस्थमा के क्वालिटीज़ ही ऐसे होती है इस रोग के कि ये वात और कफ के कॉम्बिनेशन के कारण ये रोग होता है। और ये जो वनस्पति है ये कफ और वात दोनों को ही कंट्रोल में लाता है, बैलेंस करता है। और ख़ास करके ये गले के विकार जो है उसे दूर करने की भी बहुत ज़बरदस्त क्षमता रखता है, इसलिए गले के एरिया में बहुत अच्छा काम करने वाली वनस्पति है। आयुर्वेद की अगर बात करें तो इसके रस को मधुर और तिक्त बताया गया है। इसके अलावा ये उष्ण है, ये रूक्ष है और ये पचने में हल्का है, यानी कि आयुर्वेद के भाषा में ये लघु है। इसके अलावा ये रुचिकारक है, ये दीपन है और ये पाचन है। ये तीनों चीज़ें चित्रक में और इसमें कॉमन है। तो अगर भूख ना लगती हो और
खाया पिया लगता ना हो, पचता ना हो, इन सभी समस्याओं में इसके सेवन से पेट की हर तरह की समस्याएं दूर होती है। और वैसे भी मैंने हमेशा बताया है, जिन भी वनस्पतियों का येल्लो फूल होता है वो खास करके स्किन डिसीजेज में और पेट के विकारों में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। और इसके अलावा ये कार्मिनेटिव है, यानी कि ये पेट की जो वायु है उसको नीचे की ओर ढकेलता है, इसलिए ये पेट के गैस जैसे बीमारियों में भी बहुत अच्छा काम करता है और ये पेट को साफ करने में बहुत अच्छा सहयोग देता है। तो ये वायु को भी इंटेस्टाइन के नीचे ढकेलता है और ये विरेचक भी है। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पेट साफ नहीं होता हो, इसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और जो भी फार्मेसियाँ ये पेट साफ करने की दवाइयाँ बनाती हैं उसमें भी ये खास करके सभी दवाइयों में डलता है। और इसके अलावा इसके विरेचक गुण के साथ साथ इसके मूत्रल गुण भी है, तो ये मूत्रल भी है। और इसके अलावा ये लीवर को भी उत्तेजित करने वाला है और ये लीवर को अगर सही डोज में लिया जाए तो लीवर के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और इतना ही नहीं, ये डायबिटीज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है, ये भी इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त गुण है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये वात रोगों को भी कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, तो ये इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, यानी कि ये सूजन को भी कम करता है, ये भी इसमें एक ज़बरदस्त गुण है। और इतना ही नहीं, क्योंकि ये रूक्ष है, ये उष्ण वीर्य है, और तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, ये भी इसका ज़बरदस्त गुण है। और क्योंकि ये इतना एंटीबैक्टीरियल है, विषनाशक है और पता नहीं क्या क्या है, शुरुआत में मैंने जो आपको इसके गुण बताए, इसलिए ये जख्मों को ठीक करने के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर कोई जख्म भर नहीं रहा हो, नासूर हो, तो इसमें भी इसके पत्तों का पेस्ट जख्म पे लगाने से जख्म तुरंत ठीक हो जाता है। मैंने इसके सारे गुण तो आपको बता ही दिए हैं, कौन से रोगों में ये काम करता है ये भी बता दिया है। तो वीडियो को झूठ मूठ ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसकी सेवन विधि आपको बता देता हूँ और इसको कैसे लिया जाता है, किस मात्रा में लिया जाता है और इसको लेकर के क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ये आप डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो इसके पूरे पंचांग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि ये बड़ी तेज वनस्पति है, क्योंकि इसके गुण ही इतने लाजवाब है, तो इसलिए ये तेज है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा गुणकारी है, लेकिन क्योंकि ये तेज है इसका सेवन ध्यान से करना चाहिए, वैद्य के सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। और इसका शुरुआत में सेवन बहुत ही कम से शुरुआत करना चाहिए, खुद ब खुद इसको इस खाने की चेष्टा ना करें, आप वैद्य के सलाह से ही इसको इसका सेवन करें। इसके पत्तों की अगर बात करें तो इसके सेवन की मात्रा है 0.5 ग्राम। आप पत्तों को सुखा करके चूर्ण बना सकते हैं, पानी के साथ वैद्य के सलाह से इसको लिया जा सकता है। यूजुअली इसे 0.5 ग्राम तक लेने से ये सेफ है और बहुत ज़बरदस्त बॉडी पे सकारात्मक प्रभाव करता है और बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की इसमें शक्ति है। इसके बीजों का भी सेवन किया जाता है, बीजों का सेवन करते हैं तो उसकी यूजुअली मात्रा होती है 0.5 ग्राम, वो भी वैद्य के सलाह से ही करना चाहिए, क्योंकि हर एक बॉडी अलग होती है और खुद ब खुद खुद का डॉक्टर ना बने, हमेशा वैद्य को साथ में लेकर के चले, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े। इसके पत्तों के जूस बना करके भी उसका सेवन किया जाता है, उसका यूजुअली सेफ जो डोसेज होता है वो होता है 0.5 छोटा चम्मच। और इसके जड़ का को भी सुखा करके चूर्ण बना करके सेवन किया जाता है, उसका यूजुअली जो मात्रा सेफ मात्रा होती है वो होती है 0.5 ग्राम। लेकिन अगर सर्प काट जाए, ऐसी ये इमरजेंसी वाली परिस्थिति हो जाए और आप अगर बहुत दूर है हॉस्पिटल से और अगर आप कुछ करके हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हों, तब
ज्ञानियों ने, काफ़ी स्रोतों ने, अलग स्रोतों ने जो इसका डोसेज बताया है वो होता है तकरीबन इसके जड़ के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है 10 ग्राम दिन में, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन होती है तब इसे दिन में 10 ग्राम 3 बार लिया जाता है, और इस तरह से 3 दिन लेने से सर्प विष पूरी तरह से उतर जाता है ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर सर्प काट जाए तो सबसे बेस्ट विकल्प ये होता है कि नज़दीकी हॉस्पिटल में जाया जाए, और इसका एंटीडोट गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है वो ढंग से हॉस्पिटल में उसका इलाज कराना चाहिए। लेकिन प्राथमिक उपचार के तौर पे इसके पत्ते आप मसल करके सर्प दंशित जगह पे लगा सकते हैं, ये एक प्राथमिक उपचार के तौर पर बड़ा कारगर कहा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने हेल्थ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी वनस्पति का सेवन करने से पहले वैद्य की सलाह ज़रूर ले लें। ये वीडियो जानकारी के लिए है, इसे मेडिकल एडवाइस ना समझे। तो अगले एपिसोड तक विशाल साठे को दीजिए इजाज़त। बाय।